फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि सर्च, इन्वेंशन और डिस्कवर में क्या फर्क है। आप कहते हैं कि इस बात को लेकर अक्सर मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो आइए फ्रेंड्स, इनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, सर्च का मतलब होता है नॉर्मली कुछ ढूंढना। जैसे मैं अपना मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, आई एम सर्चिंग माई मोबाइल। तुम क्या ढूंढ रहे हो, वॉट आर यू सर्चिंग। तो फ्रेंड्स, सर्च का इस्तेमाल हम नॉर्मली कोई चीज ढूंढने के लिए करते हैं। लेकिन अगर हम बात डिस्कवर और इन्वेंशन की करें, तो हम डिस्कवर का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई चीज पहले से मौजूद हो लेकिन छिपी हुई हो और हम उसे ढूंढ निकालते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात इन्वेंशन की करें, तो वर्ड इन्वेंशन का मतलब होता है आविष्कार करना या इजाद करना। और इन्वेंशन वर्ड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई चीज दुनिया में थी ही नहीं लेकिन उसे बनाया गया या लाया गया। जैसे इंसानों ने आग की खोज किया, ये है डिस्कवर। यानी इस दुनिया में आग थी लेकिन इंसानों से छिपी हुई थी। इंसानों ने आग को ढूंढा, इंसानों ने हीरे मोती सोने चांदी को डिस्कवर किया, यानी खोज किया। ये सभी चीजें पहले से थीं। लेकिन अगर हम बात लैपटॉप, मोबाइल, एसी, एरोप्लेन, साइकिल, कार, अगर इन सब की बात करें, तो ये चीज दुनिया में थी ही नहीं, इंसानों ने इसे आविष्कार किया, यानी इस चीज को बनाया। तो ये है इन्वेंशन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि अगर कोई आदमी कहे कि मैंने ये इन्वेंशन किया है, तो इसका मतलब हुआ कि ये चीज दुनिया में थी ही नहीं, गॉड ने इस चीज को दिया ही नहीं था, इस इंसान ने इस चीज को बनाया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैंने ये डिस्कवर किया है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि ये चीज पहले से मौजूद थी लेकिन इंसानों के नजरों से ओझल थी और इस आदमी ने इस चीज को ढूंढ निकाला या तलाश कर लिया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि सर्च मींस ढूंढना और डिस्कवर मींस किसी छिपी हुई चीज की तलाश कर लेना और इन्वेंशन का मतलब कोई नई चीज बना देना या इजाद कर देना या आविष्कार कर देना। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।